इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां समाधान दिवस में तहसीलदार व पूर्व विधायक आपस में भिड़ गए। तहसीलदार ने पूर्व विधायक सुरेश चंद्र पर चाटा मारने और धमकाने का आरोप लगाया है। परिजनों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने पर हुई थी नोकझोंक। विधायक का कहना है कि पिता की मृत्यु के बाद से 1.5 साल से पैतृक संपत्ति रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी है। जानसठ विधानसभा से पूर्व में विधायक रह चुके हैं सुरेश चंद्र तितोरिया। जानसठ के संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को हुआ था विवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, समाधान दिवस में तहसीलदार व पूर्व विधायक आपस में भिड़ गए। तहसीलदार ने पूर्व विधायक सुरेश चंद्र पर चाटा मारने का आरोप लगाया है। परिजनों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने पर हुई थी नोकझोंक। विधायक का कहना है पिता की मृत्यु के बाद से 1.5 साल से पैतृक संपत्ति रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी है। जानसठ विधानसभा से पूर्व में विधायक रह चुके हैं सुरेश चंद्र तितोरिया। जानसठ के संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को हुआ था विवाद। हमारी सरकार को हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार को हमारी बदनाम कर रहे हैं। आप आराम से कहीं बैठ के ना।